सबका मैं इस परिवर्तन यात्रा में बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, सबका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि समय अभी बहादुर साहब बता रहे कि आपको 5 मिनट ही बोलना है, तो मैं सोचता हूं कि नाम लेने में मेरे को 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो तभी तो मैंने कहा कि भाई सभी हमारे सम्मानित मंच, तो मेरा सब लोगों से ये आग्रह है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने इस, क्योंकि अभी किसानों के बहुत सारे काम हैं, चाहे आगामी फसल का हो और चाहे हमारी जो वर्तमान फसल का हो, तो उसमें सभी लोग हमारे कार्यकर्ता अभी सभी किसान भाई उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन यात्रा जब धोध में पहुंची तो आप सब लोगों ने मिलकर उसका अभिवादन किया, उसका स्वागत किया, इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से आप लोग परिश्रम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक भी कोई ऐसा वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है जिन्होंने कोई हाथ लगाया होगा, प्रत्येक इस झंडे में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान है। रात को 12-1 बजे तक सभी लोग अपने आप ही लग रहे थे, तो मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग मेहनत करते हैं वास्तव में वो तारीफ काबिल है, और मैं आपका ये ऋण शायद मैं नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन आप जो हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, इस धोध विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता एक गोर्धन बन के काम कर रहा है, क्योंकि मैं कोई किसी साधन के पैसे नहीं देता, किसी गाड़ी के पैसे नहीं देता, फिर भी आप लोग यहां मेहनत करके आते हो, तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, यहां पर कमल का फूल खिलेगा और हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा नाम उसमें एक फूल खिलेगा। ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप सब लोगों ने, क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं कहा कि गोवर्धन का आप चुनाव लड़ो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर आप खुद कहते हैं कि हमारा नेता गोवर्धन है, मैं आपका कार्यकर्ता हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी मेरे को कोई आदेश देंगे तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहूंगा। आपको लगता है कि गोवर्धन आपके लिए काबिल है, गोवर्धन आपके लिए उपयोगी है, या आप समझते हो कि गोवर्धन हमारे लिए हमारा भाई है, हमारा साथी है, तभी आप सब लोग मिलकर मेहनत करें, तभी मेरे को जिताने का प्रयास करें। आपको ये लगता है कि नहीं हमारे लिए कोई और भी हो सकता है, तो आप सब लोग जो निर्णय करेंगे उस निर्णय के लिए गोवर्धन आपके हमेशा साथ में रहेगा। मैं पुनः आप सबको, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलने चाहता, क्योंकि आप सब लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है वही मेरे लिए काफी है, और मैं तो ये कहता हूं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने परिश्रम करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्टों की विधानसभा है, ये पिछले 35 सालों से कांग्रेस की मतलब यहाँ विधानसभा रही है, एक बार हमने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया था, लेकिन आप सब लोग जितनी मेहनत करते हैं, जिस ताकत से आप काम करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में इन कार्यकर्ताओं का हम ऋण भारतीय जनता पार्टी या गोवर्धन साहिब नहीं उतार पाएगा, तो मैं आप सबका पुनः बहुत अभिवादन करता हूं। आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर जो आशीर्वाद जो स्नेह दिया है, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूं, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जहां पसीना गिरेगा वहां गोवर्धन का खून गिरेगा, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। धन्यवाद।